आप अपने ऑफिस में अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ तीन तरीके मैं आज बताऊंगा जिससे आप प्रोडक्टिविटी आपकी जो बड़ी टीम है वो बढ़ा सकते हैं। तो जो पहला एक चैलेंज जो होता है जो आपके यहाँ नए लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें कई बार जो आपका जो कोई भी सिस्टम है उसके बारे में पता नहीं होता, तो आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं पर वो जो ट्रेनिंग होती है वो कई बार उन्हें थोड़ी समझ में आती है, उसके बाद नो कई चीज़ें ऑफकोर्स मैं बोलूँगा सर के ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि जब वो एक्चुअली में जॉब करते हैं उस टाइप पे उन्हें जरूरत होती है हेल्प की, सपोर्ट की। पर उस टाइम पे एक चैलेंज भी है क्योंकि जो सीनियर्स उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं वो खुद ही अपने काम में बिजी हैं, तो दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो जो कोई भी नया सपोज बीट ए सॉफ्टवेयर और ए बैंकिंग इंडस्ट्री और ए इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें कोई एक नया पर्सन ज्वाइन किया तो उसे उन सिस्टम के बारे में जिस पे वो काम कर रहा है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम पड़ा है। तो क्या आप कर सकते हैं, आप एक चैटबॉट बना सकते हैं जिसमें प्रीवियसली जितने भी ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की है या लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो उसमें फीड करके वो चैटबॉट के अंदर उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, और जब कोई भी नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो वो उस चैटबॉट से क्वेश्चन पूछ सकता है और आंसर दे सकता है। तो ये तो एक पार्ट है, और शायद आप बोलेंगे कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसमें आगे एक चीज़ और ऐड करूँगा। ये जो चैटबॉट है जिसमें लोग आपके जो ज्वाइनीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एक काम और भी कीजिए, जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है कहीं उसका आंसर नहीं भी है आपके चैटबॉट के पास, उस क्वेश्चन को स्टोर कीजिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि लोग किस टाइप के, जो आपके यहाँ जो नए लोग ज्वाइन किए हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब इन लोग को मालूम पड़ गए हैं और वो कुछ नए टाइप के चैलेंजेस आ रहे हों। और एक चीज़ जो अभी सर्वे में पाई गई है वो ये है कि कई बार जो लोग हैं उन्हें कुछ भी डाउट होता है तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, ये हमारी टेंडेंसी क्लास में भी रही है, कुछ क्वेश्चन आया तो टीचर से क्या हम खड़े होकर पूछेंगे, हर एक को लगता है नहीं नहीं शायद मैं जो पूछ रहा हूँ बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है मैं कैसे पूछूं, जब कोई और पूछता है तो हम फिर पूछते हैं अरे हाँ यही तो मुझे भी पूछना था। और सिमिलरली कई बार वो पेरेंट्स या फ्रेंड के साथ भी उतनी चीज़ें नहीं पूछते हैं, पर यह पाया गया है कि लोग जब सर्च करते हैं तो वो ऑनेस्ट होते हैं, वो पूछ लेते हैं उन्हें जो कुछ भी पूछना होता है। तो ये जो चैट बॉट है जो कि एक सर्च टाइप का चीज़ रहेगी, इसमें जो आपका नया एम्प्लॉय है और या भी कोई आपका जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय भी है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई जज नहीं कर रहा है कि अरे तुमने ये कैसा क्वेश्चन पूछा। कई बार जैसे जैसे मैंने बोला क्लासरूम में होता है वैसे मीटिंग्स में होता है, कई बार लोग के दिमाग में क्वेश्चन होता है पर वो चुप रहते हैं, लगता है अरे ये मैं कैसे पूछ लूँ ये तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ है, पर जब उन्हें ये चैटबॉट है तो उन्हें लग रहा है कि ऑफकोर्स क्योंकि उन्हें देख नहीं रहा है विच इज़ ट्रू ऑल्सो। तो आप उनका जब क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेंगे तो उससे आपको ऑनेस्टली पता लग जाएगा कि जो इम्प्लॉयज हैं वे जो कि भी नए लोग हैं या एक्सपीरियंस लोग हैं क्या चैलेंजेस उन्हें आ रहे हैं। कैन बी सिंपल थिंग कि यू नो कंप्यूटर उनका काम नहीं कर रहा है या कोई वो ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ उन्हें ट्रैवल की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो सब क्वेश्चन जो है आप उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और उन्हें एनालाइज कीजिए। ऑफ कोर्स यू मे वांट टू टेक द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयज कि ये क्वेश्चन उनके नोट हो रहे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। और कहीं आपकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत सारी सिटीज में है या अक्रॉस कंट्रीज हैं तो हर जगह के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। इमेजिन कीजिए आप यहाँ पर आप बेंगलोर में हैं और आपकी टीम दिल्ली में है, तो हर बार जो दिल्ली वाला एम्प्लॉय होगा वो फोन करके नहीं पूछेगा कि उसे चैलेंज है, या तो वो मीटिंग एक शेड्यूल करेगा उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट कहीं उसके पास एक चैट बॉट है जिसमें वो सर्च कर सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो कभी भी 24/7 वो क्वेश्चन जब कभी भी उसके दिमाग में आएगा और बहुत ही सिंपल चीज पूछ सकता है, इस कंपनी का पर्पस क्या है, मेरे जॉब की मीनिंग क्या है, मेरी सैलरी हाइक कब होगी, या जैसे मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर में कैसे अपडेट करूं, या मुझे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पाया गया है कि उस वक्त लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और उसमें झिझकते नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपके पास वो पता लग जाएगा कि लोगों के पास जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम है, और उस टाइप से आप फिर फर्दर ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं या जो कुछ भी आपके और इंटरवेंशन हैं वो प्लान कर सकते हैं और या सपोर्ट प्लान कर सकते हैं, कहीं बहुत सारे कुछ डाउट्स हैं तो आप एक सेशन प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज नंबर वन। दूसरी जो चीज़ होती है, कई बार आपके एम्प्लॉय जो आपने जो हायर किए हैं वो अपने मेन चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते हैं पर उनका टाइम कहीं और जगह पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल
आपका कोई एक अच्छा एम्प्लॉई है, सपोज वो सॉफ्टवेयर में है, तो उसे सपोज ट्रैवल करना है और ये काफ़ी कुछ उसे ट्रैवल करना रहता है, तो मेन उसकी एक्सपर्टीज तो ये है कि सॉफ्टवेयर कोड लिखना और सिस्टम दिखाना, पर ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं नो, इवन दो आपके यहाँ एक ट्रैवल डिपार्टमेंट होगा, पर वीसा अरेंज करना, टिकट लाना, फिर बिल सबमिट करना, कई बार उनका टाइम उसमें चला जाता है। उसकी जगह कहीं आप उसके लिए कुछ, जैसे कुछ और एम्प्लॉयज़ को हायर कर लीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं उनके सेक्रेटरीज आप हायर कर लीजिए, तो वो काम उन्हें वो ऑफलोड कर देगा और फिर वो पूरा टाइम अपना जो मेन काम है सॉफ्टवेयर वाला उस पर कंसंट्रेट कर सकता है। और उसके जो सेक्रेटरीज हैं, तो सेक्रेटरीज नीड नॉट बी फॉर ओनली फॉर द सीनियर मैनेजर्स, जितने भी लोग को आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं, तो जो उनके सेक्रेटरीज रहेंगे उन्हें हेल्प कर देंगे फॉर द वेरियस थिंग, इट कैन बी ट्रैवल रिलेटेड अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी, या कुछ मीटिंग रूम बुक करने का है, या इस टाइप के कोई भी और जो काम है जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है वो किसी और को दिया सकता है, जिससे आपका ये जो एम्प्लॉई है वो अपना मेन काम पे फोकस कर सके। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कई बार अगेन बड़ी टीम में आप जो काम करने का पुश कराते हैं वो चीज़ नहीं होती है, तो यहाँ पर यूज़ कीजिए ट्रांसपेरेंसी, इन द सेंस टीम का या प्रोजेक्ट का जो भी डेटा है उसे प्रेजेंट कीजिए अक्रॉस द टीम, इन द सेंस कहीं आपकी टीम अक्रॉस द लोकेशंस है और बहुत सारी बड़ी टीम है, तो जैसा भी एंड ऑफ द डे स्टेटस है, एक तरह से आप सोच सकते हैं आप शायद टीवी मॉनिटर लगा सकते हैं अक्रॉस द लोकेशंस, और डेली मॉर्निंग पर हर टीम का स्टेटस जस्ट प्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि कई बार जब ये डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, जब हर किसी को पता लग जाता है, तो एक तो सबके दिमाग से बात निकल जाती है कि कोई बायस चल रहा है, क्योंकि कई बार लोग को लगता है अरे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ दूसरे वाले के उसमें प्रॉब्लम है, पर बॉस जो है उसे फेवर करता है, वर्सेस कई तरह से होते हैं, पर जब ये डेटा सबके सामने प्रेजेंट है, ऑनेस्टली एक जगह से डेटा आता है वो प्रेजेंट हो जाता है, वो देख के ही कई लोग इवन दो यू डोंट नेम देम, वो खुद ही अब चाहेंगे कि उनका काम जो है अगले दिन प्रेजेंट हो रहा है वो रेड स्टेटस में ना हो, अच्छे स्टेटस में प्रेजेंट हो, तो अपने आप ही उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ओनरशिप आप देखेंगे उनकी बढ़ जाएगी। तो तीन चीज़ें जो मैंने बोली, पहले ये है कि एक चैटबॉट आप कर सकते हैं जिसे ट्रेन किया जा सकता है, प्लस क्वेश्चंस आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसे क्वेश्चन स्टोर करते रहिए और फिर उसे इम्प्रूव करते रहिए, और उन क्वेश्चन के बेस पे जो लर्निंग इंटरवेंशन है वो प्लान कीजिए, जो आपके एम्प्लॉयज हैं देखिए कि उनका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, और कुछ जो काम है जो उनका नॉन कोर एक्टिविटीज़ है क्या वो कोई और कर सकता है, कोई और ग्रुप कर सकता है। और तीसरी जो चीज़ है जो डेटा प्रोजेक्ट का है उसे हाईलाइट कीजिए पूरी टीम को, तो उसे बायसेस का जो लोग के दिमाग में रहता है वो चला जाएगा और हर कोई अपने ओनरशिप लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और काम करेगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।